प्रोग्राम डिजाइन, अब देखिए प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, कंपनी ने कहा जी ओके प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, तो उसके बाद क्या है, प्रोग्राम आपने डिजाइन करना है। प्रोग्राम डिजाइन के लिए आपको ऑडियंस प्रोफाइल का पता होना चाहिए, वो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। आपको ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, वो आप ऑलरेडी क्या है पहले से सेट कर चुके हैं अपने ट्रेनिंग प्रपोजल के अंदर। आप उसके बाद क्या करते हो, डे प्लान करते हो। अब डे प्लान जो है ये क्या होता है, ये कुछ ऐसी शक्ल होती है, आपको यहाँ पे कुछ टाइम भी नजर आ रहा होगा। ये देखें आप सिंपली क्या करते हो, ट्रेनर का नाम बताते हो कि जी कौन सा ट्रेनर होगा, ठीक है। उसके बाद बताते हो कि जी किस टॉपिक से रिलेटेड आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ये तीन टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके। इन टॉपिक से रिलेटेड आप बताते हो कि हमने ट्रेनिंग देनी है, फिर आप टाइमिंग्स लिख देते हो। याद रखिएगा एक ट्रेनिंग डे जो है वो मोस्टली फोर चंक्स के अंदर डिवाइडेड होता है, फोर चंक्स के अंदर। पहला चंक आपकी 11 बजे से पहली वाली टी ब्रेक, वो वाला पोर्शन, फिर 11 से लंच के दरमियान वाला हिस्सा, फिर लंच से आपकी जो दोपहर में एक टी होती है उस तक, और फिर उससे ऑनवर्ड एंड तक। और कुछ जो हैं वो थ्री चंक्स पे भी मुश्तमिल होते हैं, कुछ कंपनीज पांच पे भी कर लेती हैं। और यहां पे आपको मजे की बात बताऊं, जो लंच के बाद और जो दोपहर को टी होती है उससे पहले वाला टाइम होता है, उस टाइम में जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल हाई लेवल पे होती है। क्यों, आपका माइंड जो है वो उस टाइम बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा होता है, एनर्जीज दोबारा उसने रीगेन की होती हैं। सो मोस्टली ट्रेनर्स जो हैं उस टाइम के अंदर जो ट्रेनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो डिलीवर करते हैं। डे प्लान का आपको आइडिया हो गया, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, फाइनल लर्निंग आउटकम्स भी हम इसमें डिफाइंड रखते हैं अपने प्रोग्राम डिजाइन में, कि मैंने इस डे के एंड होने पर अल्टीमेटली अचीव क्या करना है। आज के हमारे सेशन की फाइनल लर्निंग आउटकम क्या है, कि आपको एसेंशियल्स ऑफ ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, ये हमारी है फाइनल लर्निंग आउटकम। उसके बाद एक्टिविटी मटेरियल एटसेट्रा जो भी होता है आप प्रोग्राम डिजाइन के अंदर ये सारी चीज भी कंफर्म करते हो कि हमें एक्टिविटीज के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो अवेलेबल है कि नहीं है, हमारा जो माइक है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे स्पीकर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी चीजें जो है वो आप पहले से कंफर्म कर लेते हो, ओके जी। प्रोग्राम डिजाइन इतना ही होता है और इसमें कुछ नहीं होता। अब एक और चीज भी आती है, ऑडियंस एनालिसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक ट्रेनर को इन सारे लोगों का पता होना चाहिए, इन सारे लोगों से डील करना आना चाहिए। क्वाइट ट्रेनीज, ये कुछ ऐसे ट्रेनीज होते हैं जो ट्रेनिंग सेशन के दौरान बिल्कुल खामोश होते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ट्रेनर जो भी बात बताता है उस पर सिर्फ उनकी दो मूवमेंट्स होती हैं, बस ये। तो ट्रेनर का काम क्या होता है कि ट्रेनिंग सेशन को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए वो इन ट्रेनीज को क्या करे, इंगेज करे ट्रेनिंग सेशन में। कैसे, जैसे मैं आप लोगों से सवाल पूछ के कर रहा हूं। सो वो क्या करता है, उनको किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेता है जहां पर उन्हें बोलना पड़े, जहां पे उन्हें एक्सप्रेस करना पड़े। वो कोई लंच की ब्रेक आ जाए, कोई चाय की ब्रेक आ जाए, वो कोशिश करता है कि वैसे ट्रेनीज के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करे ट्रेनर। क्यों, उनको थोड़ी सी शाबाशी दे, उनका थोड़ा सा वो जो एक शाइनेस का फैक्टर होता है वो उसको डाउन करता है, जस्ट फॉर द रीजन कि वो प्रॉपरली सारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और वो जो लर्निंग आउटकम्स ट्रेनर अचीव करना चाह रहा है वो उसका पार्ट बन सके। दूसरी टाइप के लोग कौन से होते हैं, टॉकेटिव ट्रेनीज, ये ट्रेनर के बोलने से पहले जवाब दे देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, आप उनको क्या करते हो, किसी कंस्ट्रक्टिव बात के ऊपर जो है अपनी राय देने के लिए सिर्फ जो है इनवाइट करते हो। आपको अंदाजा हो जाता है उस ट्रेनी को देख के यार इसके पास नॉलेज है, लेकिन आप वहां पे शेयर करवाते हो जहां पे जरूरत होती है। अच्छा, ये जो ट्रेनीज होते हैं इनको क्यों किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है जहां पे चुप रहना जरूरी होता है, क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि इनके नॉलेज की वजह से दूसरों का नुकसान ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो नॉलेज नहीं होता, सो वो सिर्फ उनके बोलने की वजह से बाकी सारे दब जाते हैं, उनके पास वो नॉलेज नहीं जा पाता। सो आप क्या करते हो, उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हो। देन उसके बाद होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेनीज, ये वो ट्रेनीज होते हैं जो ट्रेनिंग रूम में आने से पहले बिठा के आते हैं, यार ये 26-27 साल का लड़का हमें क्या सिखाएगा, मुझे तो पहले से ही सब पता। सो ये जो ट्रेनीज होते हैं ये यहां पे ब्लॉक बना के आए होते हैं, इन्होंने कानों का मतलब पता क्या समझा होता है, यहां से सुनना यहां से निकालना।
सो ये ओवर कॉन्फिडेंट जो ट्रेनीज होते हैं ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से नहीं आए होते, ये सिर्फ अपनी इस एक हैबिट की वजह से, बहुत सारी ऐसी बातों की वजह से महरूम रह जाते हैं जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे जो होते हैं ट्रेनीज, उनके साथ ट्रेनर क्या करता है, उनको भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है, किस तरह की, जहां पे उन्हें कुछ ना कुछ परफॉर्म करके देना पड़े, जहां पे उन्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनपुट देनी पड़े, प्रोडक्टिव बात करनी पड़े। सो होता क्या है, ऑटोमेटिकली ट्रेनर उनके अंदर से वो सारी बातें निकलवाता है जो कि वो समझ रहे होते हैं, और उसका फायदा क्या होता है कि वो भी उसी लेवल पे आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद आ जाते हैं फन मेकर ट्रेनीज। ये ऐसे ट्रेनीज होते हैं जो हाथ के इशारे को अच्छा मीनिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा होता है, इसका फायदा पता क्या होता है, समटाइम इसका फायदा भी होता है, समटाइम्स नुकसान भी होता है। पहले नुकसान की बात करते हैं। नुकसान ये होता है कि ट्रेनर ने एक अच्छा खासा एनवायरमेंट क्रिएट किया होता है, वो एक चुटकुला छोड़ते हैं और वो एनवायरमेंट सारे का सारा कलैप्स हो जाता है। एक ये क्या है, नुकसान। और फायदा क्या होता है, ऐसे हाथ वाले लोग चुप कर जाते हैं, ठीक है। सो ट्रेनर को ऐसे बंदे को एप्रिसिएशन के थ्रू भी डील करना होता है, और उसको कभी कभी आप मत बोलिएगा ऐसे कह के भी, पता चल गया आपको। ओके जी, कॉन्ट्रीब्यूटर ट्रेनीज। ये ट्रेनीज पता कौन से होते हैं, जिनको ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर ये कहता है कि सर आपसे बात करना अच्छा लगता है, क्यों, वो पॉजिटिव इनपुट देते हैं, वो सीखते हैं और कुछ सिखाते भी हैं, पॉजिटिव इनपुट देते हैं। और ट्रेनर ऐसे ट्रेनीज के साथ क्या करता है, जब ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं तो वो इनको टीम लीड देता है कि आप क्या करो, इस टीम को क्या करो, इस ग्रुप को क्या करो, लीड करो। क्यों, वो बंदा लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आया होता है, वो कॉन्ट्रीब्यूटर होता है, वो ट्रेनर के पर्सपेक्टिव को समझ के उसको एक्सप्लेन करके दूसरों तक ट्रांसफर करता है। सो ये कुछ ऑडियंस की जो है वो टाइप्स होती हैं।